सैन्य विकास मंडल तेजारा की तरफ से महात्मा ज्योतिबा फूले जयंती समारोह धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर विशाल बाइक रैली का आयोजन हुआ। इस अवसर पर तेजारा नगर पालिका उपाध्यक्ष हरीश सावरिया, प्रजापति समाज अध्यक्ष बसपा नेता सतपाल प्रजापत, पूर्व विधायक मामन सिंह यादव, हर्ष यादव, भिवाड़ी पूर्व चेयरमैन संदीप दायमा, बलवीर सैनी, प्रधान रतन सैनी, पूर्व चेयरमैन कमलेश सैनी, पूर्व चेयरमैन रामेश्वर सैनी, भूम सिंह सैनी, हनुमान प्रसाद सैनी, नत्थू राम सैनी, धर्म सिंह सैनी, चिराग सैनी, अविनाश सैनी, फूल सिंह सैनी, इंदर सिंह दहिया, खल्लू राम सैनी, राजू सैनी, जय सिंह सैनी, अध्यापक सुभाष सैनी एवं हजारों की संख्या में सैन्य समाज के लोग मौजूद रहे। सभी अतिथियों का सैन्य समाज प्रधान कृष्ण सैनी, विकास मंडल अध्यक्ष अशोक सैनी, उपाध्यक्ष कर्ण सिंह, कोषाध्यक्ष मदन लाल सैनी, सचिव भूपेंद्र सैनी, उप सचिव जसवंत सैनी ने सभी अतिथियों का माला व साफा पहनाकर सम्मान किया। कार्यक्रम में सैन्य माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंच का संचालन एडवोकेट पुरुषोत्तम सैनी ने किया। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र ने विराटनगर पंचायत समिति सहित मेड़ कुंडला क्षेत्र को जयपुर जिले में यथावत रखने की मांग को लेकर सोमवार को उपखंड मुख्यालय विराटनगर के सामने संघर्ष समिति द्वारा अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। प्रारंभ में उपस्थित संघर्ष समिति के सभी सदस्यों ने राष्ट्रगान किया एवं भारत माता के जोरदार नारे लगाए। इस मौके पर पूर्व विधायक डॉ. फूलचंद भिंडा, संघर्ष समिति के जगदीश यादव, भूमराज तेजी, सत्यनारायण सैनी, पवन शर्मा, जवानपुरा, सेवानिवृत्त अधिकारी बाबूलाल रुंडला, शिवदान फांगना, पूर्व सरपंच संतोष मोदी, रानी रत्ना कुमारी, नरेंद्र शर्मा, विकास शर्मा, रोमेश शर्मा, सचिन वर्मा, सुरेश बादलीवाल, दीपेश चौबे, गणपत लाल शर्मा, नरेंद्र सैनी, शिवपाल सूद, शशि प्रकाश, चंद्र प्रकाश सैनी, गिरिराज सैनी, रमेश यादव, प्रेम सैनी, लोकेश शर्मा सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। उपस्थित वक्ताओं ने कहा, क्षेत्र की यह मांग है कि हमें जयपुर जिले में यथावत रखा जाए, अन्यथा हमारा जिला मुख्यालय विराट नगर को बनाया जाए। जब तक राज्य सरकार हमारी मांगे नहीं मान लेती, तब तक अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। इस मौके पर अनेक वक्ताओं ने राज्य सरकार से आर पार की लड़ाई करने का भी ऐलान किया एवं कहा, यदि शीघ्र हमारी मांगे नहीं मानी गई तो उपखंड मुख्यालय विराटनगर से हजारों की संख्या में क्षेत्र की जनता जयपुर कूच करेंगे। कोटपुतली जिले में जोड़ दिया गया, तो इस जनभावना के साथ ये सब लोग विराटनगर पंचायत समिति की जितनी भी पंचायतें हैं वो बैठकर यथावत जयपुर जिले में रहने की मांग को लेकर ये धरना कर रहे हैं। और अगर धरने से पार नहीं पड़ी तो आंदोलन करेंगे, जन आंदोलन करेंगे, और विधानसभा का घेराव करना पड़ा तो विधानसभा का घेराव भी करेंगे। लेकिन या तो हमारा जिला नया बने, विराटनगर को ही जिले का दर्जा मिले, अगर विराटनगर को सरकार जिला नहीं बनाती है तो हम यथावत जयपुर जिले में रहने की मांग को लेकर ये अनिश्चित। हमारे विराटनगर को या तो जिला बनाया जाए या फिर जयपुर में ही पहले की तरह ही यथावत रखा जाए। हम बैरोड कोटपुतली में नहीं जुड़ना चाहते क्योंकि हम ढूंढाड़ी भाषा के लोग हैं और वो राठ भाषा के लोग हैं, इसलिए हमारा उनका कल्चर मेल ही नहीं खाता। रही बात हम शिक्षा से, व्यापार से, चिकित्सा से, बिजनेस से, सारा हम जयपुर से जुड़े हुए हैं। हम कोटपुतली हमारे लिए एक यूपी की तरह लग रहा है और यूपी जैसे ही कारनामे कोटपुतली के हैं। वहाँ के लोग हैं, हर तीसरा लड़का वहाँ का क्रिमिनल है। ऐसे कल्चर में हम जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। इसलिए मेरी मांग है, सबसे पहले तो विराटनगर को जिला बनाया जाए, और अगर विराटनगर को जिला नहीं बनाते तो जयपुर में हमें यथावत रखा जाए, में यथावत रखा जाए, या जो नया मुख्यालय है जिले का वो विराटनगर को बनाया जाए। इसको लेकर के क्षेत्र की जनता मांग कर रही है। पिछले कई दिनों से हम लोग लगातार है जो इसको लेकर पोस्टकार्ड अभियान, हस्ताक्षर अभियान, विभिन्न प्रकार के प्रयास कर रहे हैं। सरकार से भी हमारा डेलीगेशन मिल चुका है, अशोक गहलोत जी से हम लोग मिले थे और क्षेत्र की जन भावनाएं अवगत कराई थी। अगर सरकार हमारे इस मामले पर ध्यान नहीं देती है तो निश्चित तौर पर आगे चलकर एक बड़ा आंदोलन और यहाँ से हजारों की संख्या में विराटनगर और मेड़ कुंडला क्षेत्र की जनता जयपुर सिविल लाइन और विधानसभा का घेराव भी करेगी। और हम हर हाल में अपना जो ये हक है ये लेके रहेंगे। हमारी मांगे यही हैं कि या तो हमें जयपुर जिले में यथावत रहने दिया जाए या फिर सरकार नया जिला बनाए और उसको विराटनगर जिले का नया मुख्यालय बनाया जाए।